नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट 2021 का एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी का चल रहा है वो आपको 16 दिसंबर से जारी है, लेकिन पिछले 16 दिसंबर को एक सीटिंग के बाद जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। आज पुनः 20 दिसंबर को जो है आपको जो है ये फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसके मैक्सिमम प्रश्न हमारे तक पहुंच गए हैं। आपको हम सभी प्रश्नों का लेवल बताते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न जो है, सो प्रश्न का लेवल क्या है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, देखिए हमारे पास जो है आपको दो भाषाएँ होती है, दो भाषा अर्थात हिंदी और एक जो है सो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी नहीं होगा वो दो भाषा हो गए। और तीन जो है आपको जो चाइल्ड पेडागोजी है, उसके बाद ईवीएस था और मैथमेटिक्स था, इसमें जो है प्रश्न का लेवल थोड़ा सा जो है सो डिफिकल्ट पूछा गया है। अब देखिए, प्रश्न के लेवल डिफिकल्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा जीके को भी प्रश्न में जो है सो जगह दे दिया गया है, कुछ जीके के कुछ प्रश्नों को जगह दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो है बच्चों के द्वारा, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन हो नहीं रहा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, बच्चों के द्वारा जो शेयर किया गया हमारे पास तक, उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जहां तक कोई दिक्कत बुझाएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देख लीजिए, ये पहला प्रश्न पूछा गया, देखिए कि पट्टा चित्रकारी कहां होती है। देखिए, चार ऑप्शंस थे, जैसे कि उन्होंने बताया उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो पट्टा चित्रकारी दोस्तों उड़ीसा में होता है। देखिए, पट्टा चित्रकारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है सो, जैसे कि आपको बिहार से अगर पूछा जाता है तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। किसके बारे में? तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ये देखिए, पट्टा चित्रकारी एगो जगह दे दिया इसको, ये जीके से प्रश्न। दूसरा देख लीजिए कि झूम की खेती कहां की जाती है, ये पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है, खास करके मिजोरम में किया जाता है। तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा, ये देखिए एकदम सिलेबस के अनुरूप क्वेश्चन था, ये था लिंग हु फैन कहां का भोजन है। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, हांगकांग का है, ठीक है। जैसे कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं, गोवा के लोग नारियल के तेल में बना के खाते हैं, उसी तरह जो है सो यहां के हांगकांग के लोग जो होते हैं वो सांप से बने हुए पकवान खाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंग हु फैन कहते हैं, ठीक है। सांप से बना हुआ पकवान होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया, देखिए विटामिन सी के बारे में पूछा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है। देखिए, एक गणित में जो प्रश्न पूछा गया है, विटामिन सी की कमी, देखिए आप पढ़ के जाइए, विटामिन ए की कमी भी पढ़ लीजिए आप, विटामिन बी की कमी, जैसे ए का जो मूल स्रोत रेटिन, उसका नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है, बी का थायमिन हो जाता है, ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से जो है सो बेरी होता है, इस तरह से इसको भी थोड़ा सा जीके को भी देख करके जाइए। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिए, 9-10 में एक का अंतर है, 9 और 8 में एक का अंतर है, 6 और 7 में एक का अंतर है, जहाँ जहाँ एक का अंतर है तो सीधा समझ लीजिए जो बड़ा वाला होगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो का अंतर है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये इस सब में जो है आपको 9/10 ही बड़ा होगा, आप देख लीजिएगा निकाल करके, ये बहुत ही आसान था। एक प्रश्न ये पूछा है दोस्तों, देखिए टेपीओका जो है ये कहाँ का जो है, ये मतलब सॉरी, इसका दूसरा नाम क्या है। देखिए, टेपीओका के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेपीओका जो है सो केरल में, ये केरल का जो है सो प्रसिद्ध, ये एक प्रकार के समझ लीजिए कि मिट्टी के अंदर होने वाला जो है ना, ये फसल है मिट्टी के अंदर होने वाला केरल का, और इसका दूसरा नाम कसावा होता है, CAWSAVA कसावा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए जीके के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया गया कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक्स आता है, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए एकदम जल्दी में हम बता देते हैं आपको, गमछा झाड़। अब देखिए, यहाँ से यहाँ मित्र मिस मतलब हो जाता है मिजोरम, तो त्रिपुरा, पौष पश्चिम बंगाल, रोस राजस्थान, गौस होता है गुजरात, मोस होता है मध्य प्रदेश, छस होता है ये छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर जो है सो ये राज्य मतलब स्थापित हैं, अस्थायी है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। अब देखिए आगे आपको हम आपको हिंदी के पेडागोजी से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो देखिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए, ये आज का ही सारा का सारा सेटिंग का है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। उन्होंने देखिए जो शेयर किया ऑप्शन, तो ये पियाजे है, स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोत्स्की है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका की का अगर बात होता है, तो इसमें आपको वाइगोत्स्की साहब का जो है ये वर्णन है, ठीक है। वाइगोत्स्की साहब के द्वारा ये खास करके दिया गया था कि बच्चों के
ठीक है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर चॉम्स्की की बात करिएगा तो उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का चर्चा किया था, ये नॉर्म चॉम्स्की, सार्वभौमिक व्याकरण का। और उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों में सीखने की जो होती है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये चॉम्स्की के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये, और अगर प्याजे की बात करेंगे तो प्याजे ने कहा था कि परिवेश से अंतःक्रिया से विकसित होने वाली जो होती है उसको प्याजे ने कहा था। ठीक है, अब देखिए स्किनर के द्वारा भी कहा गया था कि भाषा को जो है अनुकरण करने से ज़्यादा चीज़ सीखी जाती है, स्किनर ने कहा था। देख लीजिए आगे एक चीज़ और, एक प्रश्न और पूछा गया, एक प्रश्न देखिए पूछा है कि जो मशहूर चित्रकार चिंचालकर किस लिए प्रसिद्ध थे, तो सूखे पत्तों पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ये देखिए मशहूर चित्रकार जो चिंचालकर ये थे, ये आपको मध्य प्रदेश के थे, कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के थे। ठीक है, ये थे। चलिए अगला प्रश्न एक और पूछा गया, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण का अगर उद्देश्य की बात करेंगे कौन नहीं है, चार ऑप्शन उन्होंने शेयर किया, देख लीजिए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर किया गया था। भाषा का प्रभावी प्रयोग, आत्मविश्वास से बातों को रखना, वर्णमाला को कंठस्थ करना और ध्वनि संकेत चिन्हों को का प्रयोग करना। इसमें जो देखिए कौन सही नहीं है, ये कहता उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये देखिए वर्णमाला को कंठस्थ करना, रटने वाली प्रक्रिया जो भी है इसको खत्म कर दीजिए आप, रटने वाला जहां भी प्रश्न ऑप्शन आए तो उसको आप एकदम क्लियर कर दीजिए, यही नहीं होगा, ये ऑप्शन था, उद्देश्य नहीं है। अगला देखिए एक प्रश्न ये पूछा है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, अंडी देते हैं कि बच्चे देते हैं। दोस्तों ये जान लीजिए, बच्चे देते हैं। ठीक है, जिनके शरीर पर बाल हो और कान दिखाई दे वो अंडे देते हैं, और जहाँ जिसके शरीर पर बाल ना हो और जिनके कान भी दिखाई नहीं दे वो अंडे देते हैं। ठीक है, इनका आंसर होता है बच्चे देते हैं। एक प्रश्न और पूछा, देखिए वेलवनिका गांव कहाँ पर है। ठीक है, वेलवनिका गांव कहाँ पर है, ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। दोस्तों ये जान लीजिए कर्नाटक में है वेलवनिका गांव। ठीक है, तो ये भी जो है सो आपका ये एकदम पूरी सिलेबस ही सब प्रश्न था। यदि बच्चों को मिट्टी का बर्तन बनाने को कहा जाए तो बच्चों में किस प्रकार का विकास होगा, ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए जो शेयर किया गया था उसमें थोड़ी बहुत मतलब जो है सो जो प्रश्न बच्चे को जहाँ तक याद रहता है, छात्रों को जहाँ तक याद रहता है वो उतना शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है सो हमने ये ऑप्शन उन्होंने किया था, मदद लेने की, सीखने की, कुछ और ऑप्शन दिया गया था लेकिन वो ऑप्शन उनको याद नहीं था। तो इसमें ये देख लीजिए कि उन्होंने शेयर किया तो ये इसका आंसर हो जाएगा करके सीखने की। आप बच्चों को छोड़ दीजिए, मिट्टी दे दीजिए कुछ मिट्टी को करने के लिए, तो बच्चे कुछ न कुछ अपने हिसाब से, अपने सोच, अपने बुद्धि के हिसाब से कुछ न कुछ तैयार करेंगे, और जो भी तैयार करें भले ही वो बेकार चीज़ ही तैयार हो लेकिन उनका जो होगा वो करके सीखने का जो है ये एक प्रोसेस तैयार होगा उनके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में, अनुमान लगाना, पढ़ने का उद्देश्य देखिए, या अक्षरों का जो है सो पहचान होना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षरों का पहचान हो जाएगा। पढ़ने में तो पढ़ाई का उद्देश्य तो मालूम होना ही चाहिए, अनुमान लगाना भी सही है, लेकिन खाली अक्षर के पहचान अगर कर लिया जाए तो सिर्फ अक्षर महज पहचान करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो पढ़ना नहीं उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है। देखिए ये आपको चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पियाजे हैं, स्किनर साहब हैं, चॉम्स्की हैं और ब्रूनर हैं। तो देखिए भाषा सीखने की क्षमता जो है वो आपको किसके साथ कहता है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, हमने पहले बताया था कि जो सार्वभौमिक व्याकरण की बात और जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता जो होती है उन्होंने कहा था, ये चॉम्स्की ने ही कहा था। ठीक है, भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो चॉम्स्की के द्वारा ही कहा गया था। तो ये प्रश्न थी। देखिए कुछ और प्रश्न है जो उनके द्वारा शेयर किया गया, देखिए अभी अगला प्रश्न ये देखिए उन्होंने क्या कहा, देख लीजिए कि बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात रखते हैं, यह बात कैसी है। देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये प्रश्न जो है सो बहुत ही आसान, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए थे उसमें। देखिए ये प्रश्न ये भी एक है कि बच्चे को जो मातृभाषा का प्रयोग करते हुए यदि हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात रखने को कहा जाए स्पष्ट रूप से तो उसको क्या निंदनीय कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या स्वाभाविक कहेंगे, विचारणीय कहेंगे, अनुचित कहेंगे, अनुचित तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आपको पता है कि बच्चों को उनके अपनी भाषा में यानी मातृभाषा में ही बातचीत करने का जो है सो त्रिभाष सूत्र कहती है। ठीक है, जो पूरी तरह से जो भाषा है अभी बहुभाषिकतावाद जो चलती है, बहुभाषिकतावाद उसमें वो पूरी की पूरा स्वाभाविक है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है। मातृभाषा का अगर प्रयोग करके बच्चा अपनी बात को रख पाता है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है,
अब देखिए एनसीएफ बीसीएफ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो बिना भार का जो अधिगम ठीक है किससे संबंधित है, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन इसको कहते हैं। बिना भार का अधिगम को क्या कहते हैं, बिना भार के अधिगम को हम क्या कहते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बिना भार का अधिगम होता है ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों ऑप्शन बीसीएफ 2008, एनसीएफ 2005, ये एनईपी 2020, एनईपी 1986 इस तरह का कोई ऑप्शन था ठीक है। तो ये उन्होंने बीसीएफ एनसीएफ कहा, ये हम आपको दो ऑप्शन एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 कहता है कि बिना भार का जो है सो क्या होना चाहिए, ये आपको शिक्षा होनी चाहिए ठीक है। अब एक प्रश्न ये पूछा था, देखिए नाच वाला, नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, दोस्तों ये मुद्राएं कहलाती है, याद रखिएगा मुद्राएं। प्रश्न उन्होंने बताया, ऑप्शन जो है सो विदाउट ऑप्शन था, तो डायरेक्ट हमने मुद्राएं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव को क्या कहते हैं, हम इस्तेमाल करना मुद्राएं कहते हैं, मुद्रा ठीक है। अभी कहाँ के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते, देखिए नारियल के तेल में बने अगर मछली की हम बात करते हैं, केरल है, गोवा है, तमिलनाडु है, हांगकांग है, हांगकांग वाला तो आप देख ही लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा गोवा दोस्तों, क्या हो जाएगा गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी जो है सो मछली खाते हैं। अगर देखिए एनसीएफ 2005 से एक और प्रश्न था कि प्राथमिक स्तर पर गणित को कैसे केंद्रित करता है, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को अगर हम बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं तो वो अमूर्त अवस्था से मूर्त अवस्था की ओर जो प्रोसेस है आपको, तो उसको पूरी तरह से मूर्त अवस्था में जाए चाहे ना जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसको बच्चों को दैनिक जीवन से जरूर जोड़ देना है ठीक है, उदाहरण से एकदम जोड़ देना है ठीक है। तो ये इसका जो है सो मूल सिद्धांत है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, कि उसका इस्तेमाल घर पर कैसे करेगा बच्चा, इन चीज़ों का जो है सो आभास होने चाहिए ठीक है, तब बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। तो गणित को केंद्र में कैसे करेंगे, तो ये आपका जो है दैनिक जीवन से जोड़ने वाली बातें जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है इसका, तो ये था ठीक है। अगला कि गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जो मस्तिष्क में क्या करने की आदत डालता है, तो उन्होंने ये देखिए स्पष्ट रूप से ये प्रश्न जो है सो मतलब तार्किक है, क्या है तार्किक है। आपको पता होना चाहिए कि गणित जो भी है गणित पूरे के पूरे तर्क पर आधारित है ठीक है। अब चाहे मान लीजिए कि कोई भी कार्य करिए, चाहे आधा करना, एक को जो है चौथाई करना, कुछ भी करना हो, घर पर ही काम करते हैं, रोटी बनाना, कुछ भी होता है, तो सब में कहीं ना कहीं आपको तर्क लगाना ही लगाना पड़ता है। तो गणित में जो है सो अगर बात करें मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बढ़ाता है, ये पूरी की पूरी जो है सो गणित तार्किक है, इस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न देखिए आ जाता है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार होती है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन जो है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण, ये कौन होते हैं। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए परिवार ही प्रथम विद्यालय होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, तो मुख्य तो हो ही जाएगा, तो परिवार की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें और चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये इसमें क्या हो जाता है, ये गौण होते हैं, ये क्या होता है, गौण आंकड़े होते हैं ठीक है, ये गौण होते हैं। तो लेकिन इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा परिवार की मुख्य भूमिका हो जाएगा। अगला देखिए एक प्रश्न और है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो आपको कहता है केवल अक्षर का पहचान होना, या तेज गति से पढ़ना, या उचित अर्थ ग्रहण करना, या शुद्ध रूप से उच्चारित करना ठीक है। अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, तो देख लीजिए कहाँ तक क्या है ठीक है। तो ये जो आपका है ये इसमें जो है सबसे बेहतरीन आपका आंसर होगा उचित अर्थ ग्रहण करना, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा, सभी महत्वपूर्ण है ठीक है, अक्षर की पहचान होना भी महत्वपूर्ण है, तेज गति से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारित होना भी है, लेकिन सीधा पढ़ने से अगर उचित अर्थ के साथ पढ़ाई होता है, उचित अर्थ को समझते जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये आपको अगला ये था। अब कुछ प्रश्न और हुए देख लीजिए उसको भी आप देखिए। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान नाक इस तरह से उन्होंने बताया कि आँख कान नाक से अगर सोचते हैं तो उसकी उसमें कौन से क्रियाएं शामिल होगी। देखिए मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या इंद्रियाजनित संक्रियात्मक या अमूर्त जैसे संक्रिया। तो देखिए दोस्तों आपको इंद्रियों के बारे में पता होता है कि मनुष्य में 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती है, उसमें ये जो है सो देखिए नाक कान आँख ये सब चीज़ें हैं, तो ये इंद्रिय जनित हो जाएंगे, किस में शामिल हो जाएगा, इंद्रिय जनित ठीक है। तो
ये जो है एक वर्ष के तक के शिशु जो होते हैं नाक कान आँख ये इंद्रिय जनित वाला जो इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए बहुभाषिकता पर प्रश्न एक आ ही गया है, बहुभाषी भाषी कक्षा से आपको क्या तात्पर्य। देखिए बहुभाषिकता का मतलब होता है कि सभी भाषाओं का जो है सो आपको सम्मान देना होता है, ठीक है। जितने भी भाषाएँ हैं बच्चे चाहे जिस भाषा में बोल पाएँ, आप न समझे वहाँ के आसपास के बच्चे तो समझ पा रहे हैं, आप उनसे जो है सो उन चीज़ों पर तर्क वितर्क करें, उनसे चर्चा परिचर्चाएँ करें, इसका क्या मतलब हुआ कैसे हुआ, अर्थात उसको सम्मान दें, न कि है दृष्टि से बच्चों को जो है सो भाषाओं पर उसको मतलब एक प्रकार के उसको ये ना लगे कि हमें जो है सो यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है या हमको जो है सो इस तरह से मतलब जगह नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये थी अगली एक प्रश्न ये था, देखिए कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चाएं बच्चों को क्या मदद दिलाती है। तो कहानियों पर, कहानी जो भी हम अगर पढ़ते हैं चाहे पंचतंत्र की कहानी हो चाहे कोई भी बुक में जो है सो कोई भी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या मदद मिलती है, बच्चों को क्या मदद मिलती है, तत्वों को याद करने में या कमियाँ निकालने में, व्याकरण समझने में या कहानियाँ रचने में, किसमें मदद मिलती है। तो सबसे बेहतरीन आपका हो जाएगा देखिए इसमें कहानियों को रचने में, बच्चे जो है कहानी को सुन करके समझ करके उस कहानी के आधार पर और कहानी तैयार कर सकते हैं, इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो कहानियों को तैयार करने का उन्हें अवसर मिलता है, वो बेहतरीन कहानियों को जो है सो और लिख सकते हैं और अपने जो है सो लेखन कला को और जो है सो जो है बेहतरीन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो अगला देखिए कि संयुक्त परिवार में बच्चों को भाषा विकास की अपेक्षा जो है अपेक्षाकृत बेहतर होने का कारण क्या होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न ये भी है। देखिए कुछ के बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं तो वो तो बच्चों को लिखाना संभव नहीं होता, तो छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो वहाँ तक जो है सो वो थोड़ा बहुत याद रहता है तो उसको वो शेयर करते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होने का क्या कारण होता है। देखिए परिपक्व होते हैं कि बड़ों का अनुकरण करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, ये सबसे देखिए बड़ों का अनुकरण करना नहीं करना ये अलग बातें होती है, परिपक्व होना नहीं होना बड़े परिपक्व होते ही हैं ये तो मान करके चलिए, लेकिन यहाँ बच्चों का भाषा का जो विकास होता है जैसे संयुक्त परिवार होता है दादाजी दादी जी अंकल जी पापा जी फुआ ताई जो भी लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो उन सबसे उनको बात करने की का अवसर प्राप्त होता है अर्थात अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए जब बच्चे फेल होते हैं तो क्या इसका क्या तात्पर्य है, क्या फेल होने का क्या तात्पर्य है, कि पढ़ाई में योग्य नहीं थे बच्चे, ट्यूशन नहीं लिया था वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया था, या व्यवस्थाएं फेल हैं, या उत्तर सही नहीं लिखा था, क्या इस तरह का ये मतलब जो है सो बातें हो सकती है। देखिए बच्चे फेल होने का तात्पर्य है जो अकॉर्डिंग टू जो आपका NCF कहता है कि यदि बच्चा फेल है मतलब बच्चा नहीं फेल है, देखिए बच्चा नहीं फेल है, बच्चा फेल है मतलब पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, पूरा का पूरा व्यवस्था फेल है दोस्तों, ठीक है ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, लगातार इसी तरह का वीडियो के लिए और शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए खास करके अब CTET TET UPTET इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।